रोजाना मंडी भाव के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। मंडी में बहुत माल है सर, जितना माल चाहिए उससे लगभग दोगुना माल है, काफी माल है मंडी में। पकड़ गए हैं, जादरी बहुत जोर पकड़ रहा, चोमू बहुत माल है। हाँ जी हाँ जी, माल भी बहुत जोर पकड़ गया भाइयों। आज मंडी में आड़ू भी देखने को मिला है, जिसका बाजार। भाइयों नमस्ते, चौक से मीरा घाटी की तरफ चलते हैं तो 1 किलोमीटर दूरी पर है शहर की मशहूर। सभी किसान व्यापारी और आढ़ती भाइयों को राम राम। भाइयों आज दिन है शनिवार और तारीख 27 अप्रैल 2024। एक दिन की छुट्टी के बाद मंडी में फल सब्जियों की आवक, बिक्री और मंडी का माहौल कैसा रहा, ये पूरी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे और अपना अनुभव भी बताएंगे। 7-8 मिनट की वीडियो में आपको मंडी के माहौल की देंगे विस्तार से जानकारी। यह वीडियो हमारी मंडी रिपोर्ट की वीडियो का दूसरा भाग है। इससे अलग हमारी मंडी रिपोर्ट की वीडियो का पहला भाग भी है, जिसमें आलू प्याज और लहसुन के बाजार भाव का माहौल आपके साथ साझा करेंगे। आपसे सिर्फ एक ही अनुरोध है, वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें और लाइक शेयर कमेंट में से एक तो जरूर करें, क्योंकि बड़ी मेहनत और प्यार से वीडियो बनाते हैं, हमारी मेहनत की सफलता इसी में है, आप वीडियो को पूरा देखें। आज की वीडियो की शुरुआत करेंगे फलों से। नारियल पानी 20 पीस पैकिंग 1000 से 1050 रुपये, मौसमी 3 नंबर 20 किलो 780 रुपये से 800 रुपये, अनानास 40 से 42 रुपये किलो रहा है, केला करेट 10 से 12 दर्जन 400 रुपये से लेकर क्वालिटी के हिसाब से 550 रुपये, सेब में इस क्वालिटी का माल 800 से 850 रुपये डब्बा रहा है। एक डब्बे में 10 किलो सेब होते हैं और ये डब्बा भाइयों 17-18 किलो का होता है, जो कि 2100 रुपये से 2200 रुपये का बाजार रहा है। पपीता 30 रुपये से लेकर बढ़िया टॉप माल 40 रुपये किलो तक चला है। अनार 980 रुपये से 1000 रुपये डब्बा, एक डब्बे में 10 किलो अनार होते हैं। तरबूज 10 रुपये से लेकर 15 रुपये किलो बढ़िया माल रहा है। तरबूज धारी वाला भी आज मंडी में देखने को मिला, जिसका बाजार 9-10 रुपये किलो रहा है। खरबूजा लाल धारी वाला 30 से 35 रुपये किलो और खरबूजा मधु 38 से 40 रुपये किलो का बाजार रहा। आम सफ़ेदा 60 से 70 रुपये किलो, चीकू 250 रुपये से 400 रुपये डब्बा रहा है, एक डब्बे में 10 किलो चीकू होते हैं। अंगूर 780 से 820 रुपये डब्बा रहा है, ये भी 10 किलो की पैकिंग होती है। भाइयों आज मंडी में आड़ू भी देखने को मिला है, जिसका बाज़ार क्वालिटी के हिसाब से 40 रुपये से 50 रुपये किलो रहा है। मंडी में आड़ू की आवक शुरू हो चुकी है। सब्जियों के बाजार भाव से पहले जानेंगे टमाटर का बाजार भाव आढ़ती भाई श्री सुमित कुमार जी से। नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब। भाव जी आज शनिवार के दिन मंडी में टमाटर की कैसी आवक है, माहौल कैसा है जी, उठाव कैसा चल रहा है जी आज? मंडी में बहुत माल है सर, जितना माल चाहिए उससे लगभग दोगुना माल है, काफी माल है मंडी में लागत के हिसाब से सर। हाँ जी हाँ जी, बाजार मंदा है सर। आज बाजार में गिरावट है बाबूजी? हाँ जी, बाजार में गिरावट है सर, 300 रुपए से लेके 450 रुपए तक, 300 रुपए से लेके 550 रुपए लास्ट है बाबूजी। आज करनाल मंडी में एकदम से बाजार काफी डाउन चला गया जी। बस ये लास्ट शनिवार है, कुछ मंडियां बंद होती हैं, इस वजह से मंडी में माल हमारी ज्यादा है, शनिवार मंडियां बंद होती है ना, मंडी कुछ माल भी जोर पकड़ गए हैं, जादरी बहुत जोर पकड़ रहा, चोमू बहुत माल है। हाँ जी हाँ जी, माल भी बहुत जोर पकड़ गया। ये क्या रेट चला बाबूजी आज? ये सर चोमू है, ये दादरी है सर। दादरी? हाँ जी, ये दादरी है, ये 350-400 रुपया, 350-400। हाँ जी हाँ जी, ये चोमू है, ये चोमू है, ये 450-450 500 450 रुपए। क्वालिटी तो बड़ी जबरदस्त है, क्वालिटी तो जबरदस्त है, माल बहुत बिगाड़ रहा है, माल भी टाइट है। हाँ जी हाँ जी। और हाइब्रिड का कैसा रहा? हाइब्रिड भी क्वालिटी नहीं है सर, ये माल 500 रुपए बिके हैं मगर बिक नहीं रहे, बिक नहीं रहे, 500 रुपए का मगर माल बिक नहीं रहे सर, माल बहुत है। भाव जी आजकल हाइब्रिड टमाटर का ज्यादा उठाव है या देसी टमाटर का? देसी का ज्यादा उठाव है सर, हाइब्रिड का नाम मात्र है, हाइब्रिड का नाम 10% सर, 10%। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी, आज टमाटर के बारे में हमारे दर्शकों के साथ आपने विस्तार से जानकारी साझा की। नाम नंबर और फर्म का नाम बाबू जी? नाम सुमित कुमार, फर्म का नाम उराइला ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 98131335355। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू, धन्यवाद। भाइयों नमस्ते, चौक से मीरा घाटी की तरफ चलते हैं तो 1 किलोमीटर दूरी पर है शहर की मशहूर बैटरी की दुकान, जहां पर आपको इन्वर्टर, बाइक, गाड़ी, ट्रैक्टर, हर तरह की बैटरी का टॉप ब्रांड आपको यहां मिलेगा। भाइयों सिर्फ 4000 में होगी आपके ट्रैक्टर की बैटरी एक्सचेंज। जिस भाई को इन्वर्टर बैटरी चाहिए सिर्फ 5 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से, वो भी लाइफ टाइम गारंटी के साथ। और अभी आप अगर बैटरी लेते हैं तो आप साथ में ही पाएंगे ढेरों इनाम और 5 बड़े इनाम जीतने का मौका। सब्जियों के बाजार भाव इस प्रकार से रहे हैं, मटर 45 से 50 रुपए किलो, शिमला मिर्च
10 से 11 रुपए किलो, हरी मिर्च 22 से 25 रुपए किलो और ये माल 18 से 20 रुपए किलो। फूल गोभी बढ़िया माल 15 रुपए से लेकर 20 रुपए किलो तक का बाज़ार रहा है। बंद गोभी का बाज़ार आज 7 रुपए से लेकर 9 रुपए किलो चला है। धनिया 15 से 18 रुपए किलो और बढ़िया धनिया भाइयों 20 से 25 रुपए किलो रहा है। पालक का बाज़ार 10 से 12 रुपए किलो, मेथी 10 से 12 रुपए किलो, पुदीना 20 से 25, करेले का भाव 18 से 20 रुपए किलो रहा है। पेठा 4 से 5 रुपए किलो, खीरे का बाज़ार 3 रुपए से लेकर 6 रुपए किलो तक रहा। खीरा पोली 8 से 10 रुपए किलो चला है। घिया का बाज़ार 6 रुपए से 8 रुपए किलो रहा है। तोरी 35 रुपए से 38 रुपए किलो का भाव रहा। बैंगन 12 रुपए से 14 रुपए किलो, इस क्वालिटी का माल चूचू बैंगन 14 से 15 रुपए किलो, बैंगनी ये माल 9 से 10 रुपए किलो और हरी बैंगनी 9 से 10 रुपए किलो। भिंडी का बाज़ार 40 से 45 रुपए किलो रहा। मूली भाइयों 10 रुपए से 15 रुपए किलो, मूली में ज़्यादा माल मीडियम क्वालिटी का ही देखने को मिल रहा है। गाजर 14 से 16 रुपए किलो और पीली गाजर 14-15 रुपए किलो। हरा प्याज 20 से 25 रुपए किलो, चप्पल कद्दू 12 रुपए से 15 रुपए किलो। टिंडे का भाव 30 से 35 रुपए किलो, चकुंदर का बाज़ार 20 से 25 रुपए किलो। ककड़ी 12 रुपए से 16 रुपए किलो, फ्रांस बीन 38 से 40 रुपए किलो और अरवी भाइयों 40 से 42 रुपए किलो थोक भाव में रही है। एक दिन की छुट्टी के बाद मंडी में माल की आवक और ग्राहक की अच्छी रही है। टमाटर के बाज़ार में आज गिरावट रही है। मौसमी फलों और सब्जियों की आवक अच्छी देखने को मिल रही है। खीरे की आवक जोरों पर है और उठाव भी अच्छा है। भाइयों यह था आज करनाल मंडी में फल और सब्जियों का बाज़ार भाव वीडियो भाग 2। इस वीडियो से जुड़ा अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आलू प्याज और लहसुन के बाज़ार भाव के लिए आप देखें वीडियो भाग 1। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। सभी किसान व्यापारी और आढ़ती भाइयों को राम राम। भाइयों फल व सब्जियों के ताज़ा भाव की जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके।